रमा, अभी लड़की कहां भटकेगी बेचारी। जीजा भाई इका अपने घरे ले जाओ। हाँ, इका घरे तो लेके जाइन का पड़ी। काहे कि भीम के सफाई से ई साबित नहीं भवा कि लड़की झूठ बोल रही है कि सच। देखिए, एक कोना दे दीजिए, मैं वहीं पड़ी रहूंगी। फिर से भागी हुई लड़की का ससुराल के अलावा और कोई ठिकाना होता है क्या? लेकिन मैं नहीं मानता, ये लड़की सच बोल रही है। लेकिन मैं मानती हूं, कोई भी लड़की ऐसे सबके सामने खुद अपनी इज्जत नहीं उछालेगी। और जब तक हमें सच का पता नहीं लगता, तब तक वो हमारे ही घर में रहेगी। अरे वाह जीजा भाई, ऐसे तो तुम्हें शंकर, छोटी, यहां तक कि पुरंजन को घर में रखने के लिए दिक्कत हो रही थी, लेकिन इस लड़की को घर में रखने के लिए बड़ी जल्दबाजी दिखा रही हो। हाँ, क्योंकि वो बात अलग थी और यहाँ बात एक लड़की की इज्जत की है। इस हालत में उसे भटकता हुआ नहीं छोड़ सकते हैं। अच्छा, बस पहले किसी तरह तुम्हें उस भीमराव के घर में घुसना है। जिस इलाके से तुम हो, तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि मर्दों को काबू में कैसे किया जाता है। हाँ, जो संबंध अभी तक नहीं बनाए थे, अब वो भी बनाना है, ताकि रमाबाई को अगर सब पता चल जाए, सच जान ले, तो भी घर में ना आए वो और तुम उस घर में टिक जाओ। इस काम के पैसे मैं तुम्हें महीने के हिसाब से देता रहूंगा, जितना पैसा चाहिए उतना दूंगा। मेरा काम हो जाए तो चली जाना। अच्छा ये बताइए कि उस घर में भीम के खिलाफ सबसे ज्यादा कौन है? भीम की सौतेली आई चीजा भाई। पता नहीं मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन इस घर में एक सिर्फ आप ही हैं जो मेरी तकलीफ अच्छे से समझ सकती हैं, क्योंकि संबंध बनाकर हक ना देने का दर्द आपका और मेरा एक जैसा ही है। कितना ढूंढू तुम्हें, एक बार बात तो करती कम से कम। वैसे तो 100 सवाल पूछती रहती हो, और जब जरूरी था तब एक भी सवाल पूछे बिना चली गई तुम। कहाँ ढूंढू यही समझ में नहीं आ रहा है रमा, कहाँ चली गई तुम? कॉलेज के आप पे अपनी बगीचे में भीम। बाबा, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है, मैं रमा को कहाँ ढूंढू यही समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन भीम बेटा, वहां गोमती के समक्ष कुछ सफाई दिए बिना तुम यहाँ चले आए, सब लोग तुम्हें गलत समझेंगे। नहीं बाबा, उस गोमती के सामने खुद को सही साबित करके मैं क्या करूंगा? मुझे अभी सिर्फ रमा जरूरी है। रमा एक बार मिल जाएगी तो मैं उसके सामने खुद को सही साबित करूंगा ना। मुझे बस इतना लगता है कि रमा ये जान पाए कि जब पति पत्नी के बीच गलत फहमियां पैदा होती है, तो चिट्ठी पर लिखे काल्पनिक नाम से भी कैसे दुनिया वाले इंसान की शक्ल ढूंढ के ले आते हैं। लेकिन उसके लिए रमा मिलनी तो चाहिए ना बाबा, मिल जाएगी ना रमा? मिल जाएगी बेटा, जरूर मिल जाएगी। जीजा भाई तो हमारा साथ देगी, मोहल्ले के बाकी लोग भी हमारे साथ हैं, और ये भीम बहुत ही सीधा आदमी, इसको तो मैं चुटकी में अपने वश में कर लूंगी। ये खाना लीजिए।
मैं आपको इतनी अच्छी लगी कि आपको मेरी फिक्र भी होने लगी। आपकी नहीं, आपकी भूख की फिक्र हो रही है। इस भूख को मैंने बचपन से झेला है, इसलिए इसका दर्द जानता हूं मैं। क्या क्या कर रही है आप? ये दरवाजा मत बंद कीजिए, दरवाजा खोलिए। सुनिए ना, मैं अगर ठीक ठाक दिखती हूँ तो मुझसे विवाह कर लीजिए ना मुझसे। दूर रहिए। देखिए, मेरी शादी हो चुकी है और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप जहाँ से आई है वहाँ चली जाइए। देखिए, अगर आप प्यार से नहीं मानेंगे ना तो और भी तरीके आते हैं मुझे मनाने के। ले जाइए अपना खाना, मुझे नहीं खाना। आपको खाना है तो खाइए, नहीं तो मत खाइए। मेरा कर्तव्य था, वो मैंने किया। भीमबाव को थाली में खाना लेके उस गोमती के पास जाने की क्या जरूरत थी? मतलब तो साफ है कि भीम उसे पहले से ही जानता है। अब फंस गया है तो क्या करेगा? बड़ी बड़ी उसूलों वाली बातें करने की आदत है भीम की। अब सच सामने आ गया है तो शर्मिंदगी हो रही होगी। पर देखने में तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे भीमबाव, और वो ऐसा करेंगे, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आई, दिखने और होने में अंतर होता है लक्ष्मी। सब ऐसे नहीं होता है। और हमारा भीम तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। और जीजा भाई, भीम क्या सोचकर खाना ले गया था? लक्ष्मी भाई, तुम दोनों को ये बात कभी समझ में नहीं आएगी, इसलिए इस पर ज्यादा मत सोचो, यही तुम्हारे लिए अच्छा। ठीक है, नहीं सोचेंगे हम, लेकिन आप समझ लीजिए कि रमा अब लौट कर नहीं आने वाली। रमा, कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई रमा? किस हालत में होगे तुम? और जाने से पहले एक बार भी ये क्यों नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना जीना मेरे लिए कितना कठिन हो जाएगा? बेटा, रमा को हम ढूंढ लेंगे, मिल जाएगी, तुम चिंता मत करना। मैं हर हाल में जी लूंगी।
लेकिन इनके पास नहीं जाऊंगी। मैं भी आपकी तरह उन पर बहुत भरोसा करती थी, लेकिन वो क्या से क्या निकल गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि भीम ऐसा होगा। हम भीम से बात करेंगे, और जब तक तुम्हारी तरफ से वो बेगुनाह साबित नहीं हो जाता, तब तक हम उसे नहीं बताएंगे कि रास्ते से हम तुम्हें यहाँ पर ले आए हैं। तब तक तुम यहाँ आराम से रहो, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्यों? क्योंकि पता नहीं ना उन्होंने खाना खाया होगा या नहीं। उधर वो भूखी होगी तो मैं यहाँ बैठकर ये खाना नहीं खा सकता। आप ये खाना मुझे बांध के दीजिए ना, मैं इसे घर जाकर रामा के साथ खाऊंगा। रोना मत, आराम करो, आप आइए। रमा को लगता है कि उसके पति ने उसे धोखा दिया है, और उसे ये भी लगता है कि उसके आ जाने से उसके पति ने खाना नहीं खाया होगा। कितनी भोली है। आप एक काम कीजिए, कल संदेशा भिजवाकर भीम को या बुलवाइए, और इन दोनों के बीच में जो भी गलत फहमियां हैं सब निपटाइए। मुझे भी यही लगता है, यही सही है। अरे आप यहां कहां थे आप रात भर? तमाम अच्छा, चलिए घर के अंदर चलिए। आपको क्या करना है? मैं रात भर कहा था, अब मेरी चिंता वगैरह मत कीजिए, आप अब जाइए अंदर। भीम, अब इतना भी बेदर्द मत बनो। जब तक बात छुपा हुआ था तो ठीक था, अब सामने आ गई तो दिक्कत हो रही है। एक तो ऐसा कुछ नहीं है काका, और ऊपर से हमारा यह निजी मामला है, अब बीच में मत बोलिए। बस यही यही, जब तुमको समझाते हैं कि तुम अपना काम करो तो सुनाई नहीं देता है। हमारे मोहल्ले के हर किसी के निजी मामले का फैसला करते रहते हो घुस करके। तब समझ में नहीं आता है कि दूसरों की निजी जिंदगी में दखलअंदाजी सही नहीं है? हा? अब काहे चुप करा रहा है? जब लोगन का इतना ज्ञान दे चुका है तो ये लोग भी तो ज्ञान दे हैं। अरे ये दुकान रमा की है ना, तो आज से ये दुकान मैं चलाऊंगी। क्या? आप हटो वहां से। क्या हुआ? ये दुकान रमा की है, और रमा के सिवा और कोई नहीं बैठ सकता यहाँ पे, आप हट जाइए। अरे भीम, देखो जब दुकान खुली है ना तो कोई ना कोई तो बैठेगा ना। कोई नहीं बैठेगा यहाँ पे, सिर्फ रमा बैठेगी, और जब तक रमा नहीं आती है तब तक दुकान बंद रखेंगे। आप हटिए यहां से। सुनिए ना, वैसे आपको इतने गुस्से में पहली बार देखा है, बहुत प्यारे लगते हैं आप गुस्से। आपको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रही है? काका क्या हुआ? हम लोग पुलिस थाने गए, वहाँ पर भी कप्तान साहब का कहना है कि उन लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। भीम, कोई एक लड़का आया था, कह रहा था कि किर्लोस्कर गुरुजी ने तुम्हें अपने घर बुलाया है। खाओ खाओ, जितना लड्डू खाना उतना खाओ, पेट भर कर खाओ। लेकिन मालिक, इस खुशी में ये लड्डू खिला रहे हैं आप हमें? बताते हैं बताते हैं। अरे राम जी, आओ आओ आओ, चौकीदार तुम भी आओ, आ जाओ।
लड्डू खाओ। फिर तुम्हें भी बताता हूं कि किस खुशी में लड्डू बांट रहा हूं। मैं बताऊं मैनेजर साहब कि आप किस खुशी में लड्डू बांट रहे हैं? दरअसल मेरी बहू घर छोड़कर चली गई है, इस बात की इन्हें बहुत खुशी हो रही है। और मेरे घर में कुछ भी बुरा होता है तो इन्हें बहुत खुशी होती, इसलिए ये जब भी लड्डू बांटे तो समझ लीजिए कि मेरे घर में कुछ बुरा हुआ है या बुरा होने वाला है ना मैनेजर साहब? अरे भाई, दरअसल आज रेशम सेठ यानी मेरे काका के विवाह के 30 साल पूरे हुए हैं, तो सोचा तुम लोगों का मुंह मीठा करा दूं। वो जमाना अलग था जब पति पत्नी 30-30 साल तक एक दूसरे के साथ रहते थे, और आज का जमाना राम राम राम, 2-3 साल से पहले ही पति कहीं और चला जाता है और पत्नी कहीं और भाग जाती है। सुनो, पिछले महीने जितना काम होना था उतना काम हुआ नहीं है। तुम सबकी सुस्ती के कारण कारखाने का व्यापार कम हुआ है, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब से यहां दिन रात काम होगा। जो भी थोड़ा बहुत आराम करना है यहीं कारखाने में करना है। किसी को कोई समस्या? हाँ, मुझे क्या समस्या होगी मालिक? राम जी, कोई दिक्कत? मुझे कोई दिक्कत नहीं, जब तक जान है तब तक काम करूंगा। बहुत खूब, क्या उतर चल दिया। गुरुजी, अरे भीम, गुरुजी, आपने बुलाया मुझे? हाँ, आओ अंदर आओ, बैठो। नहीं नहीं, क्या हुआ गुरुजी? भीम, हाँ, सुना है कि रमा घर छोड़कर चली गई है। जी गुरुजी। लेकिन क्यों? मैं उसे समझा नहीं पाया और वह समझ नहीं पाई, इसलिए। तो फिर हमें समझाओ ना भीमराव, सुना तो हमने भी है कि कोई गोमती है तुम्हारी जिंदगी में, और जब दूसरी औरत होती है तो पत्नी कैसे बर्दाश्त करेगी? ऐसी कोई गोमती नहीं है मेरी जिंदगी में, और मैं नहीं जानता जो आई है गोमती वो कौन है। मुझे लगता है उस नरोत्तम जोशी की कुछ ना कुछ चाल है ये गुरुजी। तो क्या वो चिट्ठी भी नरोत्तम जोशी ने भेजी थी? नहीं। ये वो चिट्ठी है गुरुजी, और इसी चिट्ठी से सारा खेल शुरू हो गया। लेकिन भीम, ये लिखावट तो तुम्हारी है। वही तो गुरुजी, रमा ये तक नहीं समझ पाई कि ये मेरी हैंडराइटिंग है। बस आखिर में लिखा गोमती नाम समझ गई, और गुरुजी ये सब मैंने किया है, जानबूझ के किया है, इसीलिए कि मुझे पता था कि गोमती की चिट्ठी देखकर रमा परेशान हो जाएगी, और जब वो ज्यादा परेशान हो जाएगी तब मैं उसे बताने वाला था कि रमा अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो ये चिट्ठी पढ़ पाती, और अगर इस चिट्ठी को पढ़ लेती तो ऐसा सब कुछ होता ही नहीं, हमारे बीच गलतफहमी कभी पैदा ही नहीं होती रमा। लेकिन नहीं, पता नहीं गुरुजी सच में ये गोमती कहां से बीच में आ गई और रमा भी ये सब सच मान बैठी। रमा को बहुत ढूंढा गुरुजी, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। पुलिस भी कुछ नहीं बता पा रही है रमा के बारे में। मुझे मेरी रमा मिल जाएगी ना गुरुजी?
रमा और भीम कभी अलग नहीं हो सकते।